तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर हैप्पी डे। तो गाइस, अब सुबह के 5:30 बज रहा है और यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो रखा है। मैं तो सुबह सुबह उठकर ब्रश भी कर चुका हूँ। तो गाइस देखो, यहाँ पर चारों तरफ से अंधेरा हो रखा है और यहाँ पर थोड़ी सी लाइट भी आने शुरू हो गई है। तो गाइस चलो, यहाँ पर हमको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी क्योंकि सुबह होने पर आज हम साइकिल लेकर चलेंगे एक प्लेस पर, जहाँ पर मैं आपको हमारे ये जो पहाड़ है, मैं पहाड़ के ओवर व्यू दे सकता हूँ। पहाड़ की साइड तो नहीं जाएंगे, उस पहाड़ की साइड एक रोड है जहाँ पर हमारा पहाड़ अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होता है। तो चलो गाइस, यहाँ पर हमको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी और सुबह होने पर आज हम साइकिल लेकर चलेंगे। तो चलो, तो गाइस यहाँ पर तो सुबह के 6 बज चुके हैं और यहाँ पर चारों तरफ लाइट भी हो चुकी है। तो चलो साइकिल निकालते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर तो मैं घर से साइकिल निकाल लिया, तो चलो साइकिल चला कर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर तो मैं रोड के ऊपर तो आ चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पर तो कोहरा का मौसम हो रखा है, यहाँ से तो पहाड़ दिख नहीं रहा। आई होप कि उस प्लेस पर चलने के बाद हमको पहाड़ दिख जाए। तो गाइस यहाँ पर तो हमारा लॉस हो गया। तो गाइस मैं जो प्लेस पर जाने के लिए बोलता था, उस प्लेस पर मैं गया, मगर एक कोहरा का मौसम हो रखा है, इसीलिए उस प्लेस पर अच्छे तरीके से पहाड़ दिख नहीं रहा। इसी कारण मैं आ चुका हूँ हमारे पहाड़ की रोड की ओर। तो गाइस देखो, ये है हमारा पहाड़, आपको अच्छे तरीके से तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। कोहरा का मौसम हो रखा है, इसीलिए चारों तरफ फॉग ही फॉग है। तो चलो हम चलते हैं पहाड़ की ओर। तो गाइस देखो, ये रहा हमारा पहाड़, यहाँ पर कोहरा का मौसम हो रखा है, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो गाइस देखो, इस तरफ है पहाड़ और इस तरफ भी है पहाड़। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ हमारे पहाड़ की ओर। तो गाइस देखो, मेरे पीछे है हमारे पहाड़, आपको तो गाइस यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि कोहरा का मौसम है, इसीलिए चारों तरफ फॉग हो रखा है, इसीलिए आपको पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो गाइस पहले मैं जो प्लेस का नाम बता रहा था, उस प्लेस पर यदि फॉग ना होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हमारी पहाड़ की नज़र। तो गाइस चलो, यहाँ पर तो मैं आपको अच्छे तरीके से पहाड़ तो दिखाई नहीं दिया। चलो किसी दिन यदि धूप आएगी तो धूप के मौसम पर हम यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे और मैं आपको इस पहाड़ अच्छे तरीके से दिखाई दूंगा। चलो गाइस चलते हैं घर को और मैं आपसे मिलता हूँ घर पर। यहाँ पर सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पर घर को तो आ चुका हूँ। तो गाइस मैं आपको पहाड़ अच्छे तरीके से दिखा ना पाया क्योंकि कोहरा का मौसम हो रखा था। तो गाइस जो अच्छे तरीके से दिखाई थी वो छोटी छोटी क्लिप तो मैं आपको दिखा दिया होगा, तो गाइस आप लोग तो देख चुके होंगे। तो गाइस यहाँ पर दिन के 12 तो बज चुका है। तो गाइस मैं यहाँ पर अभी बैठा हूँ मेरी ये जो छोटी सी आरसी कार है इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये जो आरसी कार है इसका डोर की ये जो स्प्रिंग अंदर से टूट गई है और इसका पीछे वाला टायर ये क्या जाम हो गया है अंदर की ओर और ये घूम भी नहीं रहा। देखो गाइस कितना टाइट हो रखा है, घुमाने पर कितने टाइट हो रहा है। तो चलो सबसे पहले हम इस कार को खोलते हैं और इस कार के अंदर की ओर देखते हैं इस कार में क्या गलती है। तो चलो सबसे पहले हम खोलते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा स्क्रू ड्राइवर जिसके मदद से आज हम इस कार को खोलेंगे। तो चलो, तो गाइस यहाँ पर तो मैं इस कार को तो खोल चुका हूँ। तो देखो गाइस इस कार के अंदर की स्ट्रक्चर देखो। तो गाइस ये जो पीछे वाला टायर जो टाइट हो रहा है क्योंकि इसका ये जो मोटर का पार्ट है ये ढीला हो गया है, देखो कैसे इधर उधर हो रहा है। गाइस देखो इस कार की ये जो डोर खोलने के लिए ये जो मशीन है कैसे काम कर रहा है देखो। तो देखो ऐसे कैसे आगे पीछे हो रहा है, इसी की मदद से हमारा ये जो कार का डोर है ये खुलता है। तो गाइस यहाँ पर तो हमारा कार तो बेकार हो चुका है क्योंकि ये जो कार की जो पीछे वाला मोटर की प्लास्टिक है इसका जहाँ पर नॉट लगा हुआ होता है उस प्लास्टिक ही टूट गई है। यहाँ से देखो गाइस यहाँ से वो प्लास्टिक ही टूट गई, इसी कारण वो अच्छे तरीके से यहाँ पर फिट भी नहीं हो पा रहा। तो गाइस यहाँ पर तो हमारा कार तो बेकार हो चुका है। तो गाइस मैं आज सोच रहा था कि मैं ये जो कार है इसको ठीक करके मैं आज आपको एक स्टंट दिखाना चाह रहा था इस कार के मदद से। तो गाइस यहाँ पर तो इस कार को तो मैं ठीक भी नहीं कर सकता क्योंकि वो कार का प्लास्टिक ही टूट गई है। तो चलो गाइस मैं यहाँ पर आपको वो कार का स्टंट तो दिखा ना पाया, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आपको इस ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग के साथ हैप्पी एंड करना।